दोस्तों आज मेरा पास देख लीजिए BS6 APE है, मैं आप लोगों को दिख रहा हूँ, देख लीजिए इंजन की देख रहा हूँ मैं, यहाँ पर रेडिएटर रहता है, देख लीजिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं इंजन को देख रहा हूँ तो कैसा है इंजन। तो मेरे ख्याल से ये BS6 जो है ये टाटा आयरिस की तरफ से है इंजन, तो सेम टू सेम है। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर जो डीजल फिल्टर है, डीजल फिल्टर के ऊपर की तरफ से वाटर मोटर है जो डीजल को खींचता है टैंक से, ये मोटर है देख लीजिए, और यह डीजल फिल्टर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। दिखाने वाला हूँ यहाँ पर जो कंप्यूटर लगाता है, यहाँ पर जो केबल लगाता है, और यहाँ पर फ्यूज रहता है, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, आप लोग जितना लाइक करोगे उतना मुझे वीडियो बनाने का मन करता है, और लाइक नहीं करोगे तो मुझे वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। तो आप लोगों का एक लाइक में मुझे बहुत इम्प्रेस होता हूँ मैं वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों मेरा आशा उम्मीद है तो आप लोग बहुत इस वीडियो को लाइक करोगे, और यहाँ पर हैंड ब्रेक भी है, तो यहाँ पर सेल्फ है, और ये है एक्सेलरेटर केबल नहीं है यहाँ पर वायरिंग सिस्टम है। तो और यहाँ पर गियर देख लीजिए, 5 गियर है, तो आप लोगों को मैंने ये दिखाई दिया 5 गियर, इस गियर में 5 गियर आता है, और यहाँ पर वायरिंग की तरफ से लगा हुआ रहता है, एक्सेलरेटर केबल नहीं है, तो आप लोगों को मैं दिखाई दिया। और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी जो मोटर की आवाज़ भी सुना दूँगी, तो देखते रहिए। और यहाँ पर सेक भी लिखा आता है, जो कुछ प्रॉब्लम आएगा सेक लिखा आ जाएगी, और अभी मोटर की आवाज़ सुन लीजिए कैसा है आवाज़। तो दोस्तों तो यहाँ पर टैंक का जो डीजल रहता है वो शो करता है, ये टैंक मीटर का शो का स्विच, और ये है मोटर का आवाज़ तो मैंने सुनाई दिया आप लोग को।